सब दोस्तों का राम राम पहुँचे। बुंदेलखंडी ब्लॉगर नहीं है कि वीडियो में आप सब जन के फिर से स्वागत है। तो बस सुबह नहा के भगवान जी को मंदिर साफ कर दो, तो रात में तो पूरा सब सामान साफ कर लो तो, और जल्दी वल्दी भी धो ली थी, लेकिन मंदिर तो दूसरे दिन नहा धो के फिर साफ करूँ। और बहुत ज़्यादा दूर लेफ्ट हो गई थी तो पशू तो मास्क लगा लगा करूँ, और कभी मैं बकाई लगन लगती गर्मी की वजह से तो फिर हटा दो। और जो कुर्ता सूख गए तो मैं देख ले रहे, बच्चा बोल रहा है कि शायद एक आध बटन निकल गए, तो सब बटन का फिर लगाना तो है ही, तो सब बटन का पक को टाक दे हैं। और तीनों जन के कुर्ता पैजामा है जी। और बस इतने बगल में काम लगो तो जो डम्फर में घुमाए थे ईंट बोलत हमारे तो घुमा बोलत, तो बस बेई उतर रही थी। और काफ़ी गर्मी है तो ये लोई गोया तो और तप रहा तो, और बेचारे काम वाली कैसे काम कर धूप में बहुत मजबूरी में आदमी पैसा कमात। और बस जैसे कि आप लोगों का पता है कि हम कल महोबा से आए और फिर जल्दी जाएंगे, तैयारियों लगी है कई दिन में फिर माइक के जाएंगे तैयारी। तो बस हम लोग बरुआ सागर से निकल आए थे तो महोबा स्टेशन में बैठी तो जब ट्रेन जितनी दिख रही ना जस्ट इतनी भरी है, कोई अब एक कदम भी नहीं रख सका ट्रेन में, इतनी भरी। सब लोग चारों तरफ के डिब्बा छान छान के आ रहे थे कि कहूँ जगह है कहूँ जगह है, कहूँ पे भी जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेन भरी थी। तो भीड़ की वजह से हम लोग भी काफ़ी थके थके लग रहे थे, तो पहले हम लोगों ने सोची कि आराम कर ले तो पेड़ के नीचे बैठ गए, और पास में नल लगो तो सब ने मुँह धो। फिर सब लोगों ने सोची कि दूसरी प्लेटफॉर्म में आई थी ट्रेन तो सोची कि थोड़ी देर रुक रहे निकल जाए ट्रेन, लेकर नहीं निकली। फिर हम लोग आए ओवर ब्रिज से तो बस अनमोला भी के पापा आगे निकल गए, और अनमोला ट्रॉली बैग लेके स्लिप्ट आए जगह से, हम और अभी आए सीढ़ी से। और बस देखो काफ़ी भीड़ है, और गर्मी की वजह से सुबह शाम ज़्यादा ट्रेन भरी आ रही, और मौसम अच्छा हो याद ना तो फिर सफ़र भी नहीं अख रहा था, अभी भीड़ है तो भीड़ की वजह से, और गर्मी तो होती ही है ऊपर से ट्रेन तपत ऊपर से भीड़ में और गर्मी लगत। और वैसे तो जाते गल्ला मंडी साइड से, लेकिन उनके भैया की सवारी है राट चुंगी की, तो कीरा सागर साइड से जाके चर्च में ला, फिर उसके बाद राट चुंगी जाए फिर जाके हम लोग अपनी जगह पर जाए। और जो है चर्च लौट दे मतलब बहुत ज़्यादा घूमे तो अनमोल के पापा कह रहे थे भैया हमें कितनी जगह घुमाओ, तो कहूँ कहूँ तो बहुत मज़ा आता अगर टाइम फ्री हो तो बढ़िया ऑटो में घूम चले जाओ, सब आदमी को उतारो फिर आराम से जाओ, तो जो लगा पैसा पूरे वसूल हो गए आराम से घूम फिर के आ गए। लेकिन रात आती भीड़ आती थकान भी काफ़ी आती, तो फिर बस भैया बोले कि दो सवारी उतार दें, एक लौड़ी तगैला की और है फिर तुम्हें उतार दें। तो लौड़ी तगैला पहुँचे के बाद फिर हम लोग अपने घर पर उतर गए थे। देने भाई फिर से आ गए वापस महोबा, और लाइट आइट जल रही थी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जैसे महोबा को एरिया है काफ़ी दुकानें बंद भी हो गई और काफ़ी खुली हैं, और अनमोला भी का बता जा रहे थे जैसे कि आज ज़्यादा एरियन से आए तो अनमोला भी का बता जा रहे थे कि ऐसे जो है कि जगह जगह है तेजा जगह है, जैसे कब ऐसे हो अकेले और ज़्यादा जगह ऑटो वाले लुवाया तो थोड़ी मन में बहम आया कि कहाँ लुवाया रहे हम तो अकेले है, तो हर जगह को मालूम बहुत चाहिए कि अब कहाँ से कहाँ पहुँचे अब कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो हम कहूँ पे भी जाते तो बच्चन को थोड़ी समझा जात, और रोड भेज
बस स्टैंड भी निकल गए और जो है रोड बेच के बड़े हनुमान जी के मंदिर, तो देखो कितना अच्छा लग रहा। और काफ़ी दिन से सोच रहे थे मंदिर जाएगी लेकिन नहीं जा पाए, और जा तो हर बार मैं उबाए लेकिन कछू ना कछू काम निकल जाती या फिर घर से नहीं निकल बहुत तो फिर नहीं जा पात कई जगह। और मोहिनी की शादी हो गई तो फिर कहूँ निकल ही नहीं पात कैसे, जब तक कोई साथ में नहीं हो जब तक अच्छा भी नहीं लगा। और फिर वापस घर आ गए तो जा हो रही पूजा अक्षय तृतीया की अक्ति बोला तो इतना विवाह हो जैसे गुड्डा गुड़िया को तो इतने पे तो नहीं पता लेकिन महोबा में गुड्डा गुड़िया ले आते हम लोग सेठ सेठानी बोलते मोटा मोटी रहते तो उनकी पूजा करन ब्याह करवान जाती बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ महर की पानी भरन जात उत पे। और बस इतना पे हमने गुड्डा गुड़िया तो नहीं देखे पूजा लेकिन वैसे ही गुस्से तो तीन गिलास भर लाए, वैसे तो पांच घैला ही आते मटकियाँ लेकिन दो घैला ले आए और तीन गिलास हो गए। और ये मैं कच्चे आम भी रखने आत और चना हलवा पूड़ी और देवल, तो देवल को प्रसाद लगाने आ तो देवल फुला दे और पूड़ी बन गई हलुआ बन गए तो अक्ति बोलत अक्षय तृतीया भी बोलत तो अक्ति की पूजा कर रही तो खूंट लगा दे हलुआ पूड़ी लग गो और प्रसाद लग गो और इनमें गिलासन का टीप दो और जहाँ पे बस हम लगने अग्नि देवता का तो उतर पर भी टीप दे रहे। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कहते हैं अक्षय तृतीया की पूजा कैसी हो और कहां कहां मनाई जाए, और आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे कमेंट में ज़रूर बताइए। अरे कंपट हले हाँ देखो देखो हले कंपट है कंपट। और ट्रेन में खरीदी थी कंपट जो है संतरा वाली आती स्वाद कंपट आती ही तो बहुत मन हुआ तो देख के तो अनुलोक पापा कह रहे थे लेले का तो ले आए बहुत बढ़िया लगा फ्लेवर। और वो पुरानी चीज़ें देख के मन में अलग ही खुशी होती कि जा चीज़ मिल गई। तो आप लोगों ने कंपट कब खाई कब से नहीं खाई। रोटी से कुछ बना रही क्या बना रही हूँ रोटी रखी थी तो बना रहे हैं भरता फ्राई रोटी जो है टमाटर का भरता देखो चटनी बोलते से हमारे यूपी में लेकिन इसे भरता बोलते और ये बासी रोटी को फ्राई कर ले बता का मिला बता दो। टमाटर गरम मसाला काला नमक प्याज हरी धनिया और हरी मिर्ची नींबू नींबू भी तो मिलाओ और सफेद नमक